ये 2021 का है, इसके बारे में बता दीजिए। ये 2022 के अंदर 9 महीना हुआ है, 9 महीना पुराना गाड़ी है। कौन सी ईयर की है ये? 2012 की है। 2012 की है, 2012 की है, तो 24 तक टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स। ये वैगनर VXI ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। और एक क्रेट है आपके पास, ये 19 का है, न्यू जनरेशन, न्यू शेप, आप लोग देख सकते हो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस आ गए एक नया वीडियो लेके, एक नया शोरूम में, मतलब नया नहीं, आप लोग वीडियो बहुत सारा देखिए, पर नया स्टॉक जरूर मिलेगा आप लोगों को। कलेक्शन देख लीजिए, क्रिस्टा मिल जाएगा, फॉर्च्यूनर मिल जाएगा, फॉर्च्यूनर लाइफ टाइम टैक्स, क्रिस्टा लाइफ टाइम टैक्स आप लोगों को देंगे आज। बाकी और भी बहुत सारा गाड़ी है, आप लोग ट्रेलर में तो ऑलरेडी देख लिए होंगे थोड़ा बहुत। आ जाता है लोकेशन में, लोकेशन वगैरह शिंटू आप लोगों को बता देंगे, आप लोग देख लीजिए। न्यू कार डायमेंशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है, 9830762818336637 86। यहाँ पर आइएगा तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा, एक साल की वारंटी मिल जाएगा यहाँ से, बस 3 घंटे के अंदर लोन मिल जाएगा, 3 आवर्स, 3 घंटे में आप लोग गाड़ी को लेके जा सकते हैं, 0 पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क भी उतना ज्यादा नहीं लेगा। बाकी आ जाएंगे गाड़ी के बारे में, गाड़ी का डिटेल्स A to Z प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और भी ज्यादा जगह विजिट कर पाए, आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा कलेक्शन लेके आ पाए, नया नया डीलरशिप लेके आ पाए। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, देख लेंगे कौन कौन सा गाड़ी है, क्या क्या कलेक्शन है, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ वापस है शिंटू दा, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे। कैसे है शिंटू दा? बहुत अच्छा है, और स्टॉक भी काफी अच्छा है। जी जी। कितना सारा स्टॉक, कितना सारा गाड़ी रहने वाला है आज? 18-20 दिखा, 18-20 गाड़ी आप लोगों को दिखा देंगे, इसके ऊपर भी और भी गाड़ी रहता है ना, तो और भी गाड़ी ऑब्वियसली रहता है, आप लोग आइएगा तो देख पाइएगा। बाकी लोकेशन एक बार शेयर कर दिए। ये आपका कालिकापुर में है, टाटा क्रोमा के पास, टाटा क्रोमा बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, टाटा क्रोमा के ठीक राइट साइड में जो गली है उसके अंदर जाइएगा तो एक या दो बिल्डिंग छोड़ के आप लोगों को न्यू कार डायमेंशन दिख जाएगा। बाकी लोकेशन वगैरह तो आपको मिल जाएगा, नंबर आपके सामने पूरे वीडियो में चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी शिंटू, अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग करना है गाड़ी, अगर पसंद आते हैं तो वो अवेलेबल रहता है? जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल रहता है, एकदम मिनिमम चार्जेस रहता है ऑनलाइन बुकिंग का, वो देखिए आप लोग गाड़ी को बुक कर सकते हैं अपने लिए। ऑल इंडिया लोन होता है शिंटू का? होता है, ऑल इंडिया लोन भी हो जाएगा यहाँ से। वीडियो के पहले क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि स्टॉक जितना भी दिखाया जाएगा सारे के लिए ऑल इंडिया लोन अवेलेबल है, और NOC वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से अगर गाड़ी ले जाते हैं तो एक साल का शायद वारंटी भी रहता है इंजन और गियरबॉक्स, तो सब कुछ यहाँ से एक ही जगह पर मिल जाता है, नेम ट्रांसफर भी यहीं से हो जाएगा, है ना। जरूर आइएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी शिंटू तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, देख लेंगे कौन कौन सा गाड़ी है। चलिए आ जाएंगे हम लोग की पहली गाड़ी की तरफ। मेरे सामने एक अगेन बहुत ही डिमांडेबल Hyundai Venue, छोटी गाड़ी है, पर अगेन SUV टाइप की गाड़ी है, मिनी SUV एग्जैक्टली। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए शिंटू। ये 2021 का है, 2021 की गाड़ी है, 2026 का टैक्स है इसका। ओके, ये आपका S+ तो 21 की गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड, S+ वेरियंट में मिल जाती है। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को DRL मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, एंड गाड़ी के इंटीरियर में अगर आप लोग चाहिएगा तो सारा फीचर्स मिल जाता है। कितना किलोमीटर ड्रिवन 28,000 किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। टायर से कंडीशन जेन्युइनली बता रहा हूँ, ब्रांड न्यू है। फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, AC सब कुछ मिल जाएगा, सेंट्रल लॉक भी मिल जाएगा। बिल्कुल। प्राइसिंग कितना होने वाला है? 7,30,000 7,30,000 में एकदम ब्रांड न्यू जैसा वेन्यू, और कलर भी बहुत अमेजिंग है, ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर में आप लोगों को मिल जाएगा। चेकआउट कीजिएगा, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गाड़ी में आ जाते हैं, एक i20 एक्टिव है, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी है, अगेन SUV लगा है, देख इसके बारे में बता दीजिए। 2016 की गाड़ी है, 2016 की है, 26 तक टैक्स पे होने वाली है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कितना किलोमीटर ड्रिवन है शिंटू? 60,000 के लगभग, 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है। फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए, अगेन इसमें भी आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाता है, एलॉय व्हील के साथ, फॉग लैंप के साथ, इंटीरियर में एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ मिल जाता है, और सारा पेपर्स भी वैलिड है। बिल्कुल। कितना प्राइसिंग रखने वाला है? 475,000 i20 एक्टिव 2016 की, 26 तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर,
मिल जाएगी। कितना किलोमीटर ड्रिवन है शिंटू दा? 60,000 किलोमीटर ड्रिवन। चेकआउट कीजिएगा, अगली गाड़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं। शिंटू दा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, मेरे सामने एक i10 है। i10 है, कौन सा वेरिएंट है? 2013 का एरा है। और 2013 है क्या मतलब? 28 तक पेड है। अच्छा, 13 का गाड़ी, 28 तक टैक्स पेड, CF वगैरह सब कुछ वैलिड है। फ्री में आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाता है। टायर से कंडीशन भी काफी अच्छी है। कितना किलोमीटर ड्रिवन? 21,000 किलोमीटर ड्रिवन है। तो अगेन लो ड्रिवन भी आप लोग बोल सकते हैं। एरा है तो आप लोगों को बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को पावर विंडो मिल जाता है, फ्रंट टू डोर्स पावर विंडो मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, AC मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। कितना प्राइसिंग बोले? 2,10,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, अगली गाड़ी की तरफ चलो। दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है, इसका क्रेज अलग लेवल पर है। वर्ना है मेरे सामने एंड ब्लैक कलर, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग वैसे भी है। कौन सी एयरकेस? 2014 की है, मतलब 24 तक टैक्स पेड। कौन सा वेरिएंट है? S प्लस है, मतलब आप लोगों को बेसिक सारा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फॉग लैंप हो गया। इंटीरियर में जाइएगा तो पावर स्टीयरिंग, फोटोस, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ मिल जाता है। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है। पेट्रोल है? डीजल है। डीजल है, ओके। तो डीजल वेरिएंट में काफी अच्छा माइलेज मिल जाता है, सुपर माइलेज मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 15-16 की सिटी कंडीशन में, 18-19 की हाईवे में तो मिल ही जाएगा। प्राइसिंग कितना रखने वाले? 3,50,000 2014 की डीजल CRDI इंजन के साथ। जरूर चेकआउट कीजिएगा, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। अगली गाड़ी की तरफ आ जाता है शिंटू दा, जैज़ है, होंडा जैज़। कौन सी वेरिएंट में? सबसे पहले 2017 के टॉप मॉडल है। 17 की टॉप मॉडल है, तो आप लोगों को अलॉय व्हील्स मिल जाती है, पूरे ब्लैक कलर की। काफी कमाल का लग रहा है देखने में, गाड़ी की कंडीशन भी काफी अच्छी है। DRL मिल जाता है आप लोगों को आफ्टर मार्केट, जो और भी ज्यादा लुक को एनहांस कर रहा है। 17 का है तो 27 तक टैक्स पेड है। बाकी गाड़ी में सारा फीचर्स मिल जाता है, और जैज़ में 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होने वाला है। तो जैज़ एक प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक आप लोग बोल सकते हो, मिल जाता है आप लोगों को। प्राइसिंग कितना होने वाला है? 4,75,000 और कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 36,000 ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है शिंटू का? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो फर्स्ट ओनर जैज 2017 की, 27 तक टैक्स पेड, 46,000 किलोमीटर ड्रिवन, टॉप मॉडल VMT आप लोगों को मिल जाएगा 475। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं, आ जाएंगे अगली गाड़ी की तरफ। एक डिमांडेबल गाड़ी है स्विफ्ट, ये पेट्रोल में है, पेट्रोल वेरिएंट में। कौन सा है? LXi है। तो आप लोगों को बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, AC मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ। कौन सी ईयर की है शिंटू दा? 2014 की है। 24 तक टैक्स पेड होने वाली है। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 36,000 किलोमीटर ड्रिवन है। माइलेज सुपर मिल जाएगा आप लोगों को इस गाड़ी के साथ। 13-14 की मिल ही जाएगा। कितना प्राइसिंग रखने वाले? 3,25,000 325,000 में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। जरूर चेकआउट कीजिएगा इस गाड़ी को, अच्छा डील है, क्रेज आप लोगों को भी पता है कितना ज्यादा है। अगली गाड़ी में चलते हैं, आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। मेरे सामने एक मरून कलर की i10 है, अगेन बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है, स्विफ्ट का अच्छा खासा कॉम्पिटिटर भी है। इसके बारे में बता दीजिए, 2014 का i10 मैग्ना है। बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, पर गाड़ी लेकिन अच्छे कंडीशन में बहुत ज्यादा। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 28,000 किलोमीटर ड्रिवन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और इसका कितना प्राइसिंग रखने वाले? 2,60,000 तो 14 की 24 तक टैक्स पेड i10 मैग्ना आप लोगों को मिल जाएगी 2,60,000 में। चेकआउट कीजिएगा, अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। मेरे सामने एक व्हाइट कलर की ग्रैंड i10 है, ग्रैंड i10 न्यू जनरेशन i10 आप लोग बोल सकते हो। कौन सी ईयर की है शिंटू? 2017 की है, 27 तक टैक्स, 2017 की है, 27 तक टैक्स पेड होने वाली है। ग्रैंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। गाड़ी कितना किलोमीटर ड्रिवन है शिंटू दा? आपका चला है 36,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और ये कौन सा वेरिएंट में है? i10 है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है। तो आप लोगों को फीचर्स अच्छा खासा मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, बहुत ही अच्छा सीट कवर मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाता है, फॉग लैंप्स भी है, टायर्स की कंडीशन भी काफी अच्छी है। 36,000 किलोमीटर ड्रिवन है। प्राइसिंग की तरफ आ जाएंगे, 3,70,000 में आप लोग गाड़ी देख लीजिए कैसा मिल रहा है। बाकी शिंटू दा अगर हमारे चैनल की तरफ से कोई आता है तो नेगोशिएशन हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, और वन ईयर का वारंटी जैसा मिलता है वैसा तो मिलेगा ही। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं शिंटू दा, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांड। मेरे सामने एक स्कोडा की कुशक नया गाड़ी है, एकदम ही न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी मिल जाएगी आप लोगों को, एंड SUV सेगमेंट की गाड़ी है। इसके बारे में बता दीजिए, 9 महीना पुराना गाड़ी है, एक साल भी नहीं हुआ। तो अभी तक ब्रांड वारंटी है। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 9,000। टायर्स की कंडीशन देख लीजिए, एकदम ही पूरा न्यू टायर्स आप लोगों को मिल जाती है गाड़ी में।
ये कौन सा मॉडल में सेकंड टॉप है? सेकंड टॉप है, तो आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा एक हेडलैम्प मिल जाता है, एंड कुशक का जो लुक है बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी जो सुपर्ब है, स्कोडा की गाड़ी है ऑब्वियसली। अंदर में अगर जाइएगा तो आप लोग को पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो मिल जाता है, साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल भी है गाड़ी में, एंड एयरबैग्स भी मिल जाता है। सीट कवर की कंडीशन सुपर्ब है क्योंकि नई गाड़ी है एकदम। इसका कितना प्राइसिंग रहता है? 10,25,000। 10,25,000। 10,25,000 में स्कोडा कुशक, वाओ। और इसका ऑन रोड प्राइस अभी कितना चल रहा है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्स 16 तो होगा ही, 16 लाख। तो आप लोग देख लीजिए 9 महीना पुराना गाड़ी कितना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। कहीं से भी अगर आप लोग देख रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं शिंटू, तो आ जाएंगे हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। जी जी, एक फॉर्च्यूनर है, बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, मैसिव गाड़ी है, फैन फॉलोइंग भी मैसिव है इसका। कौन सी ईयर की है? 2012 की है। 2012 की है, 2012 की है, तो लाइफ टाइम टैक्स, वाओ। तो कभी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये सब गाड़ी का टैक्स जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा होता है, टैक्स देते देते दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब गाड़ी का अलॉय व्हील्स मिल जाता है, जायंट टायर्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 17 इंच की टायर्स मिल जाती है। गाड़ी टॉप मॉडल है तो आप लोगों को सारा फीचर्स भी मिल जाता है, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, 4 डोर्स पावर विंडो मिल जाता है, सेंट्रल लॉक मिल जाता है, सीट कवर की कंडीशन अगेन बहुत ही अच्छा है, और ये सब गाड़ी का माइलेज भी अराउंड 9-10 का मिल जाता है। 9-10 का तो माइलेज मिल ही जाएगा। कितना किलोमीटर ड्रिवन है शिंटू दा? ये 54 किलोमीटर, 54,000। अगेन लो ड्रिवन भी है। क्यों लो ड्रिवन है? क्योंकि टोयोटा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली लो ड्रिवन होने वाली है। प्राइसिंग की तरफ आ जाए, 10,75,000। 10,75,000 फॉर्च्यूनर 2012 की, लाइफ टाइम टैक्स 2012 की, लाइफ टाइम टैक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, सीएफ वगैरह ऑल पेपर्स वैलिड होगा और फर्स्ट ओनर है। अच्छा डील है, चेकआउट कीजिएगा। अगली गाड़ी में चलते आ जाएंगे हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। एक वर्ना है मेरे सामने, अगेन डिमांडेबल गाड़ी है बहुत ज्यादा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। 2017 की गाड़ी है, 2017 S, 27 तक टैक्स पेड होने वाली है। गाड़ी कितना किलोमीटर ड्रिवन है? अप्रोक्स 42,000 किलोमीटर ड्रिवन वर्ना 2017 की, 27 तक टैक्स पेड। एस है मतलब आप लोगों को बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे पावर स्टीयरिंग हो गया, पावर विंडो हो गया, सेंट्रल लॉक भी हो गया, मेनू सिस्टम भी अच्छा खासा मिल जाता है, सीट कवर बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख के बता सकते हो। टायर की कंडीशन अगर आप लोग देखिएगा अगेन वो भी काफी अच्छी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है शिंटू, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइसिंग कितना रखने वाले? 5,75,000 में एक आप लोगों को Hyundai Verna इस वेरिएंट में मिल जाएगी, 17 की 27 तक टैक्स पेड। चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगेन पेट्रोल है? पेट्रोल है, पेट्रोल है, तो माइलेज आप लोगों को अराउंड 12-13 की मिल जाएगी। अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं, आ जाएंगे हम लोग की अगली गाड़ी की तरफ। मेरे सामने एक अगेन डिमांडेबल गाड़ी है, Hyundai की क्रेटा। ये 2015 A6 प्लस, मतलब एकदम पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, बिल्कुल पुश बटन मिल जाएगा आप लोगों को, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है जो कि काफी अच्छी लग रही है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगी आप लोगों को, एयरबैग्स मिल जाएगी आप लोगों को, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स, डिफॉगर, सीट कवर की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, सब कुछ मिल जाता है आप लोगों को। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 50-60 के बीच में, तो ऐसा ही किलोमीटर अगेन ड्रिवन है। पेट्रोल वेरिएंट में है? डीजल में, डीजल में है, तो बहुत ही अच्छा माइलेज मिल जाएगी आप लोगों को। तो मैनुअल वेरिएंट में मिलता है, डीजल है तो अगेन अच्छा माइलेज मिल जाएगी, 17-18 की माइलेज मिल जाएगी। कितना प्राइस में रख रहे हैं? 6,95,000। कितना किलोमीटर ड्रिवन बताया? 50-60 के बीच में। जरूर चेकआउट कीजिएगा इस गाड़ी को, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अच्छा दाम में मिल रहा है। अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं शिंटू, आ जाएंगे और एक क्रेटा में, और एक क्रेटा है आपके पास, ये 19 का है, 2019 का, मतलब 24 तक टैक्स पेड। न्यू जनरेशन, न्यू शेप आप लोग देख सकते हो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स देख लीजिए, अगेन न्यू जनरेशन का मिल जाता है। कौन सी वेरिएंट में? A6 अगेन, A6 प्लस है, A6 प्लस अगेन, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, सब कुछ मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है। ये पेट्रोल में, तो पेट्रोल डीजल क्रेटा में दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए आप लोग ले सकते हो। कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 60,000 के करीब करीब ड्रिवन है। टायर्स की कंडीशन देख लीजिए, अच्छी खासी आप लोगों को टायर्स मिल जाती है। कितना प्राइसिंग रखने वाले हैं? 75,000 में आपको एक क्रेटा मिल जाएगी, पेट्रोल वेरिएंट में, 2019 की, 24 तक टैक्स पेड। अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं, आ जाते हैं इंडियंस की फेवरेट गाड़ी में, वैगन आर, सबको पसंद है, बिल्कुल, इसके बारे में बता दीजिए। 2016 की गाड़ी है, 2016 की गाड़ी है, VXi है, तो 24 तक टैक्स पेड मिल जाएगी आप लोगों को, एंड कंडीशन आप लोग देख लीजिए, इमैक्युलेट कंडीशन में मिल जाती है। VXi है तो फीचर्स भी सारा ही मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, मतलब बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर ड्रिवन है? 32,000 किलोमीटर ड्रिवन है। कितना प्राइसिंग रखा है इसका? 3,20,000 320,000 में एक आप लोगों को मिल जाएगी वैगन आर VXi 2016 की, 26 तक टैक्स पे। बिल्कुल न्यू कार डायमेंशन में आना पड़ेगा, नंबर आपके सामने है, कॉल करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
अगली गाड़ी में चलते हैं। तो और एक वैगन आर में आ जाते हैं सेम कलर ऑप्शन के साथ, इसके बारे में बता दीजिए। ये 2018 की गाड़ी है, 2018 की गाड़ी है। टैक्स कब तक पेड? 28 तक टैक्स पेड होने वाली। तो 18 की गाड़ी 28 तक टैक्स पेड कौन सी वेरिएंट में? ये वैगन आर VXI ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक गाड़ी वैगन आर का बहुत ज्यादा डिमांड है। ये गाड़ी जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डिमांडेबल है और रहेगा नहीं ये सब गाड़ी। कितना किलोमीटर ड्रिवन? 18,000 लोड ड्रिवन भी होने वाली है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना प्राइसिंग रखने वाले हैं? 4,15,000। 4,15,000 में एक 2018 की 28 तक टैक्स पेड ऑटोमेटिक वैगन आर VXI में मिल जाएगा आप लोगों को, इमैक्युलेट टायर्स की कंडीशन के साथ, 18,000 किलोमीटर ड्रिवन, ओनली मिल जाएगा 4,15,000 में। चेकआउट कीजिएगा। चिंटू दे यहाँ पर मैकेनिक वगैरह व्यूअर्स ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग लेके आइए मैकेनिक। अगर गो मैकेनिक से ला रहे हैं तो ला सकते हैं, बाकी कहीं से भी ला रहे हैं, अगर कोई दोस्त है या कोई भी जानता है गाड़ी तो उनको लेके आके गाड़ी चेक करवा सकते हैं। अगली गाड़ी में चलते हैं शिंटू। तो आ जाएंगे हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, होंडा सिटी। जी 2017 की है, 17 की होंडा सिटी, 27 तक टैक्स पे। जी जी, गाड़ी कौन सा है? एस प्लस में। तो आप लोगों को सारा फीचर्स मिल जाता है, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ ही आप लोगों को मिल जाता है। कितना किलोमीटर ड्रिवन है शिंटू? 64,000 किलोमीटर ड्रिवन है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, एस प्लस वेरिएंट में मिल जाएगी 2017 की 27 तक टैक्स पेड होंडा सिटी और पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट। कितना माइलेज मिल जाएगा इसमें? 12-13 के मिल जाएगी। कितना प्राइसिंग रखा है इसका? ये 5.5। 5.5, 5,50,000 में 2017 की होंडा सिटी मिल रही है। चेकआउट कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फाइनली लास्ट गाड़ी की तरफ आ जाएंगे। लास्ट गाड़ी धमाके के साथ खत्म करने वाले, एक क्रिस्टा है मेरे सामने। क्रिस्टा है। कौन सी? 2019 का है, लाइफ टाइम टैक्स है। 19 का लाइफ टाइम टैक्स 7,200 चला हुआ है। 7,200 चला हुआ है जी। मतलब एकदम शोरूम कंडीशन एंड टॉप मॉडल गाड़ी है। तो सारा फीचर्स मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एंड इसमें बोलना नहीं है, इसमें पायलट सीट भी नहीं मिलता है, फुल लोडेड है। 7 सीटर 8 सीटर भी बन जाएगा। कितना प्राइस रखने वाले इसका? 21,50,000। 21,50,000 ओनली 7,500 चला हुआ। 19 का ऊपर से, मतलब क्या ही बताना है, बहुत ही अच्छा डील होने वाला है। जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये सब गाड़ी ज्यादा रहता नहीं है, पर अगर ये बाई चांस सेल हो जाता है और कोई व्यूअर मिल जाएगा, दूसरा हो जाएगा, जरूर आइएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। शिंटू दा, गाड़ी तो बहुत सारा देखे, कितने तक डाउन पेमेंट देने से गाड़ी मिल जाएगा? पेपर के ऊपर पूरा अवेलेबल है। फिर भी मतलब मिनिमम 30% डाउन पेमेंट देने से गाड़ी मिल जाएगा, मतलब अगर 1,00,000 रुपया किसी के पास हुआ तो इजीली वो गाड़ी लेके जा सकता है। तो शिंटू दा, यहाँ पर कितना दिन के अंदर लोन प्रोसेस हो जाता है? 3 घंटा में। बिल्कुल 3 घंटा में लोन हो जाएगा। बिल्कुल सिविल अच्छा रहना चाहिए, संग संग गाड़ी लेके संग संग एक दिन में जा सकते हैं? एक दिन में नहीं जाएगा, मतलब 3 घंटा में अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाएगा मतलब नेक्स्ट डे लेके जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सिविल के हिसाब से वो। एग्जैक्टली, ये ऑल इंडिया बेसिस में होगा। बिल्कुल जरूर चेकआउट कीजिएगा, आइएगा गाड़ी को चेकआउट कीजिएगा। एनओसी वगैरह भी मिल जाती है यहाँ से। कितना टाइम लगता है वो? 10-15 दिन वो कुरियर हो जाएगा, है ना। जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे अगर वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए। नंबर पूरे वीडियो में आपके सामने चल रहा था। जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, इतना अच्छा अच्छा गाड़ी आप लोगों को दिखाए, सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा, यही रिक्वेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, थैंक यू।